महाराष्ट्र में अचानक कुछ जिलों में औरंगजेब की औलादे पैदा हुई है, जो औरंगजेब का फोटो दिखाते हैं, औरंगजेब का स्टेटस रखते हैं, और इसके कारण एक दुर्भावना समाज में पैदा हो रही है और इसके कारण एक तनाव भी निर्माण हो रहा है। सवाल ये उठता है कि अचानक इतने औरंगजेब के औलादे कहां से पैदा हुई, इसके पीछे कौन है, इसका असली मालिक कौन है, ये भी हम ढूंढ के निकालेंगे। कौन जानबूझकर महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था खराब हो और महाराष्ट्र का नाम खराब हो ये करने की कोशिश कर रहा है, ये भी हम ढूंढ के निकालेंगे। हम महाराष्ट्र की बीजेपी की हुकूमत से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये कह रहे हैं कि आप रोको इन चीजों को। महाराष्ट्र में आपको पार्लियामेंट जीतना है वो अलग बात है, मगर इस तरह से नहीं होगा। आपकी सरकारें 30,000 लोग कैसे निकल कर आ गए, और ये कौन सी जबान है एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर की, जो चीफ मिनिस्टर था 5 साल के लिए, और जो उसके अतराफ के लोग बोलते हैं कि एक दिन वो प्रधानमंत्री भी बन सकता है, वो कह रहा औरंगजेब की औलाद। फिर गोडसे की औलाद कौन है, आपटे की औलाद कौन है, मदनलाल पावा की औलाद कौन है।